सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो अपने कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों आप उसे कैसे कर सकते हो अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो। और दोस्तों, साथ ही आपको मैं बताऊँगा कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो आप उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हो, क्या क्या अपने मोबाइल से ही उसमें अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, सबको समझाऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल प्रेस कर दें जिससे मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दूसरी वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ कि आप अपने कोटक महिंद्रा की एप्लीकेशन में क्या क्या चेंज कर सकते हो और क्या क्या उससे अपडेट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन आता है ईमेल आईडी अपडेट करने का। दोस्तों, ईमेल आईडी का कैसे होता है कि जब भी हम कोई लेनदेन करते हैं, जब भी दोस्तों हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका एक मैसेज हमारी ईमेल आईडी पर जाता है, उसी ईमेल आईडी पर जाता है दोस्तों जो ईमेल आईडी हम अपने अकाउंट में अपडेट करते हैं या फिर उसमें ऐड करते हैं। दोस्तों, आप इसमें अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो अगर आपका जो पुराना ईमेल आईडी है वो बंद हो गया या फिर ख़राब हो गया है। दोस्तों, आप यहाँ से अपनी नई ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हो। दोस्तों, दूसरा है पैन कार्ड अपडेट करने का। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड तभी अपडेट कर सकते हो जब आपने अपने पैन कार्ड में या फिर अपना नाम चेंज कराया हो या फिर दोस्तों आपने उसमें कोई और करप्शन कराया हो। आप इसमें कोई और नंबर का पैन कार्ड अपडेट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने जो पैन कार्ड अपने अकाउंट ओपन करते टाइम लगाया था तो आप चाहते हो कि आप उसमें अगर दूसरे पैन कार्ड लाना चाहते हो तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, आपको अपना ही पैन कार्ड अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अगर आपने अपने पैन कार्ड में कोई करप्शन कराया है तो आप उसे फिर से अपडेट कर सकते हो। पर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि दोनों कार्ड में नंबर जो होता है पैन कार्ड का वो सेम होना चाहिए। दोस्तों, आप यहां से अपना आधार कार्ड को भी चेंज कर सकते हो, उसे अपडेट कर सकते हो। इसमें दोस्तों सेम कंडीशन है, अगर आपने दोस्तों अपने आधार कार्ड में अपना नाम चेंज कराया है या फिर रजिस्टर एड्रेस चेंज कराया है या फिर दोस्तों आपने कुछ भी अपने आधार कार्ड में चेंज कराया है तो आप यहां से उसे अपडेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम अपने आधार कार्ड में कोई भी नंबर या फिर दोस्तों अपना नाम या फिर एड्रेस चेंज कराते हैं तो हमारे आधार कार्ड का नंबर होता है दोस्तों वो सेम होता है। उसी तरीके दोस्तों आप यहाँ से उसे अपडेट कर सकते हो। बट दोस्तों, आपको याद रखना है कि आप यहाँ से अपडेट करते टाइम सिर्फ अपना ही आधार कार्ड अपडेट कर सकते हो, आप अपने आधार कार्ड की जगह किसी और का आधार कार्ड नहीं लगा सकते। अब दोस्तों, इसमें ऑप्शन आ रहा है नॉमिनेशन अपडेट करने का। दोस्तों, अगर आपने अपने अकाउंट में कोई भी नॉमिनी नहीं बनाया है या फिर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ से अपना नॉमिनी चेंज कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या क्या अपडेट कर सकते हो जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं मोबाइल नंबर का। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है अपने मोबाइल नंबर को चेंज करने का या फिर अपडेट करने का। दोस्तों, इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर ही होता है जिस पर OTP आता है, उसके OTP डालने के बाद ही दोस्तों हम कोई भी लेनदेन कर सकते हैं। दोस्तों, जो बैंक वालों ने दोस्तों जो सीक्रेट रखा हुआ है कि आप यहां से अपना मोबाइल नंबर अपनी इस एप्लीकेशन चेंज नहीं कर सकते, इसका रीज़न दोस्तों ये है कि अगर आपका मोबाइल किसी और ने ले लिया तो दोस्तों वो आपके इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना मोबाइल नंबर यहां पर डाल देगा और आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो सब निकाल लेगा। दोस्तों, ये एक सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, अगर आप अपने मोबाइल में अपने अकाउंट में कोई भी नंबर चेंज करना चाहते हो अपने मोबाइल का तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी ब्रांच जाना पड़ेगा, आपको उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा जहाँ से आपने अपना अकाउंट ओपन कराया था, उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर अपडेट होगा। आप अपने मोबाइल नंबर को घर बैठे अपनी इस एप्लीकेशन के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना है, अपडेट कराना है तो आपको उसके लिए एक बार ब्रांच जाना ही पड़ेगा और दोस्तों तभी उसके बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट होगा। तो दोस्तों, ये जो तरीका किया गया है बैंक की तरफ से, ये सिर्फ इसलिए किया गया है जिससे आपका अकाउंट एकदम सेफ रहे, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन आपके बिना पूछे ना किए जाएं। दोस्तों, काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी लेवल दिया गया है जिससे दोस्तों आपके अकाउंट जो भी बैलेंस है वो सेफ बना रहे। तो दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल में अपने अकाउंट में कोई भी नंबर चेंज करना चाहते हो अपने मोबाइल का या उसे अपडेट करना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और आपका जो ब्रांच है वो कहीं दूर है और आप अपने नज़दीकी ब्रांच में चले जाओ, दोस्तों आपको उसी ब्रांच में आना पड़ेगा जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप अपने मोबाइल से क्या क्या चीज़ अपडेट कर सकते हो अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो। और दोस्तों मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रहिए जय हिंद वंदे मातरम।